तो नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बिजली कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली कितने दो प्रकार की बिजली होती है, बिजली दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी दे दूंगा। दूसरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित आपको अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहा जाता है कि किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू दूसरे लोड पर सप्लाई नहीं जा सकती। मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हमने यहाँ पे कोई सप्लाई दी, अगर हमारे आगे कोई यहाँ लोड लग रहा है, जैसे कोई मोटर है, अगर हमें उस मोटर को चलाना है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में वो नहीं चल पाएगी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बचपन में, कभी आपने कभी बालों में इस पेन को रगड़ा होगा, तो उस समय क्या होता है कि हम कागज़ के टुकड़ों पे हम उस पेन को लेके जाते तो कुछ समय के लिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो वो ही है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और हम बात कर लेते हैं हम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहा जाता है अभी उसे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक हमें सप्लाई को ट्रांसफर करना ही हमारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, तो आपको यस करना है, हाँ डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को भी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। अगर हाँ इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि करंट कितने प्रकार का होता है, तो करंट आप बता सकते हो उसके अंदर एसी और डीसी, दो तरह के करंट होते हैं हमारे, एसी और डीसी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाए कि बिजली के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको उस समय ये नहीं बताना है कि एसी और डीसी नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है हमारी, एक तो होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों आपने अभी देख ही लिया कि एक जगह से दो, इसमें दो मेन पॉइंट होते हैं। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि एक जगह से दूसरी जगह किसी एक कंडक्टर के थ्रू हम बिजली को बिजली को आगे की तरफ नहीं भेज सकते। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इन दोनों में सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है, तो आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। और करंट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो एसी और डीसी दो तरह के हमारे करंट होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।